Let's rock. चलिए, come on. Very, very good morning to all of you. Topic for the day is key managerial personnel. बिल्कुल ठीक है. Key managerial personnel, a very, very burning issue in today's environment. कैसा है कि आज की तारीख में हम जहां देखें कुछ लोग बात कर रहे हैं key managerial personnel की, CSR की, related party transaction की. ये कुछ ऐसे topics हैं which are burning issue in today's company law scenario. उनमें से आज एक टॉपिक को हम लेने वाले हैं की मैनेजरियल पर्सनल. देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारा पूरा, मैं पहले ओवरव्यू देता हूं कि इस टॉपिक में कंपनीज एक्ट ने क्या कहा गया है. जस्ट अ मिनट. कंपनीज एक्ट ने इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले आपको बताया है कि आखिर की मैनेजरियल पर्सनल होते कौन कौन है. सबसे पहले बता दिया ये की मैनेजरियल पर्सनल है. उसके बाद में कंपनीज एक्ट ने क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन दे दी कि कौन कौन की मैनेजरियल पर्सनल बन सकता है और कौन कौन की मैनेजरियल पर्सनल नहीं बन सकता है. उसके बाद कंपनी लॉ ने उनके रेम्यूनरेशन की बात की कि अगर कोई की मैनेजरियल पर्सनल बनता है तो उसका रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है. और इन्हीं के बीच में कंपनी लॉ ने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उनके अपॉइंटमेंट की बात की है. बस व्हाट वी नीड टू स्टडी अबाउट की मैनेजरियल पर्सनल इज, पहली चीज, ये होते कौन है. दूसरी चीज, अगर आप की मैनेजरियल पर्सनल बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन या क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन को फेस करना होगा. एंड थर्डली, अपॉइंटमेंट कैसा होता है. एंड वी विल एंड इट अप विद द रेम्यूनरेशन पार्ट कि आखिर उनको अगर रेम्यूनरेशन पे करना चाहते हैं तो उनकी रेम्यूनरेशन किस प्रकार से दी जाएगी. वेरी मच कंफर्टेबल विद एनवायरमेंट. वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद व्हाट इज की मैनेजरियल पर्सनल. कि आखिर की मैनेजरियल पर्सनल होता क्या है. वेरी कंफर्टेबल. देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं की मैनेजरियल पर्सनल की. कि आखिर की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है. I'm not having a very good day today. Key managerial personnel. सबसे पहले KMP की बात करेंगे. तो वो दो नाम जो हम हमेशा से बनना चाहते हैं, CEO and CFO. CEO, CFO, वो नाम है जो हमेशा हमारे दिमाग में है कि हाँ, किसी कंपनी का CEO है मतलब हाँ बहुत अच्छी पोजीशन है, CFO है हाँ बहुत अच्छी पोजीशन है. कभी हमने इनडेप्थ जाके देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो लोग काम क्या करते हैं. तो सबसे पहली चीज आई CEO, CFO. उसके बाद में सर और कौन होते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर. ये हो गया सेकेंड पार्ट. सर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर मतलब क्या, हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखेंगे. बट एक बात ये समझाइए, इन दोनों के नाम के अंदर क्या आता है, कहीं ना कहीं इनके पास मैनेजमेंट की पावर दी गई है. और इसके बाद ये हो गए KMP. नहीं 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 यारो, अभी तो मैं वो बताने वाला हूं जिससे कि आप खिल उठेंगे. CS इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन KMP. मतलब CS को भी एक ऑर्गेनाइजेशन का की मैनेजरियल पर्सनल माना जाता है. अब नाम पे आते हैं, पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, की मैनेजरियल पर्सनल. मतलब की मतलब क्या होता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एन इंटीग्रल पार्ट. मैनेजरियल पर्सनल वो पर्सन जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का काम कर रहा है. मतलब ये वो लोग, देखिए कंपनी के अंदर देर आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, देर आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, मगर उन सब के अंदर ये वो लोग होते हैं जो सबसे की, सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं. इसलिए हम इनको अलग से पढ़ते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल. अरे सर, यहां पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर आया और यहां पर एक होल टाइम डायरेक्टर आया. मतलब बाकी सारे डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, वो सब ना ना ना, दे आर नॉट द की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी. अरे क्योंकि पार्ट टाइम डायरेक्टर, वो आपकी कंपनी को क्या दे रहे हैं, सिर्फ पार्ट टाइम. तो उनको की मैनेजरियल पर्सनल की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है. नॉमिनी डायरेक्टर्स मान लीजिए, तो वो सिर्फ आपकी कंपनी में है टू मेक श्योर कि उनका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसका इंटरेस्ट मेंटेन रहे. वो आपकी कंपनी का होल एंड सोल मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर रहे हैं. अगेन, दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ KMP. वेरी मच कंफर्टेबल. तो ये छह नाम होते हैं, याद रखने के लिए बहुत कंफर्टेबल. CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर और CS. याद कैसे रहेगा, सबसे पहले कौन,
CEO, CFO, Managing Director, MD, and the lastly, Whole Time Director or CS. ठीक है सर, ये तो समझ गया. अब आप एक एक करके बताइए ये आखिर होते क्या है. देखिए सुनिए, हमने आज तक नाम तो इनका बहुत सुना होगा, MD, Managing Director, हाँ मैनेजर, हाँ मैनेजर, लेकिन टेक्निकली इनकी डेफिनेशन क्या है हम आज वो पढ़ने वाले हैं. टेक्निकली उनकी डेफिनेशन हो सकता है जो आप समझते हैं जेनेरिक डेफिनेशन से अलग हो. सर जेनेरिक डेफिनेशन क्या होता है? जेनेरिक डेफिनेशन मतलब क्या, जिस चीज का जनरल मीनिंग हम लोग समझते हैं, हाँ ये ऐसा है, लेकिन उस चीज का टेक्निकल मतलब कुछ और हो सकता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में. हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? ध्यान से, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, ऑफकोर्स ही मस्ट बी अ डायरेक्टर. मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु हैज सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. बस मतलब क्या बोला मैंने, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, ही मस्ट बी अ डायरेक्टर, ही मस्ट बी अ डायरेक्टर हु हैज सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. हु हैज सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, हु हैज सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. सर ठीक है, ठीक है सर. मैनेजर, आइए यहां पे सब लोग ध्यान से. मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल. अब मुझे पहले बताइए डिफरेंस क्या पढ़ा हमने मैनेजिंग डायरेक्टर में. मैंने आपको बोला मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ, वेयर एज मैनेजर इज अ इंडिविजुअल. मतलब मैनेजर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर, है ना. इट कैन बी एनी इंडिविजुअल. हो सकता है कंपनी किसी रैंडम एमबीए को उठा के अपनी कंपनी का मैनेजर बना दे, वेरी वेल पॉसिबल. ही नीड नॉट बी अ डायरेक्टर. मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु हैज बीन एम्पावर्ड विथ, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, होल और सब्सटैंशियली द होल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. आप लोग दोनों डेफिनेशन देख के मुझे डिफरेंस बताइए. पहले दोनों डेफिनेशन अच्छे से रीड करिए. यहां क्या लिखा है, मींस अ डायरेक्टर हैविंग सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल एम्पावर्ड विद होल और सब्सटैंशियली द होल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. एक डिफरेंस है कि ही मस्ट बी अ डायरेक्टर, ही कैन बी एनी रैंडम इंडिविजुअल. उसके अलावा कोई और डिफरेंस? थिंक अबाउट इट, सोचिए आराम से, सोचिए आप सोचिए. यस सर, थोड़ा सा आपने लैंग्वेज शायद कुछ अलग यूज किया. यहां पे आपने कहा सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब उसके पास अच्छी खासी पावर होती है. यहां पे जो वर्ड यूज किया है सर आपने, दैट इज होल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज होल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. मतलब सर डिफरेंस क्या हुआ? यारो डिफरेंस ध्यान से देखिए, एक कंपनी के अंदर एक ही मैनेजर हो सकता है. अरे मैनेजर मींस अ पर्सन हु हैज बीन गिवन दी एंटायर दी होल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. जितनी पावर्स हैं वो इसको दे दी है होल और सब्सटैंशियली द होल. मतलब 80-85-90% पावर्स तो इसी को दे दी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की. मतलब अगर कोई मैनेजर अपॉइंट हुआ है उसका मतलब है उसको सारी पावर्स दी गई है, लेकिन अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है ना उसको बस अच्छी खासी पावर्स दी गई है. सब्सटैंशियल पावर का मतलब होता है अच्छी खासी पावर. क्या होल वर्ड यहां पे यूज किया गया है? क्या होल वर्ड यहां पे यूज किया गया है? नहीं, उनका इंटेंशन यह है कि यहां पर उसको सारी पावर्स नहीं दी जाती है, वेरेस मैनेजर को सारी पावर्स दी जाती है. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कैन अ मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज अ मैनेजर बी अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी? माय क्वेश्चन इज, अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन, सब लोग यहां पे ध्यानंदा, यहां पे कैन अ मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज अ मैनेजर बी अपॉइंटेड इन अ कंपनी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से यस? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो?
बाकी क्या निर्दलीय? नहीं नहीं हमें वोट नहीं करना, नहीं नहीं हम ना हम कांग्रेस और भाजपा दोनों में बिलीव नहीं करते, हमें वोट ही नहीं करना। अरे यारों कहीं ना कहीं वोट करना होता है, ठीक है? नो नो नो। अब ध्यान से सुनिए, क्यों? मैनेजर को अगर आपने अपॉइंट कर दिया है तो आपने ऑलरेडी पावर्स उसको दे दी है ना सारी, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को देने के लिए पावर्स कहां बची? मैनेजर अगर अपॉइंट कर दिया है तो आपने कंपनी की होल पावर्स उसको दे दी है, तो फिर पावर्स बची कहां है मैनेजिंग डायरेक्टर को देने के लिए? तो समझिए रूल, इफ अ मैनेजर हैज बीन अपॉइंटेड, नो मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड। एक कंपनी के अंदर या तो मैनेजर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। अनदर क्वेश्चन, कैन देयर बी टू मैनेजर इन अ कंपनी? नो। अरे यारों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने प्रैक्टिकली बहुत बार देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं प्रोडक्शन मैनेजर होता है, एक सेल्स मैनेजर होता है। यारों दे आर देयर द मैनेजर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द मैनेजर ऑफ द कंपनी, एमडी ऑफ द कंपनी, सीएफओ ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सीएस ऑफ द कंपनी। यस प्लीज। और लिखा है वहां पे, आप देखेंगे और लिखा है, विल कम ऑन टू रेम्यूनरेशन, सो जस्ट वेट फॉर इट, टुडे इटसेल्फ विल कम ऑन देयर। या नोट्स नहीं मिले? वेट, आई विल मेक अरेंजमेंट्स राइट नाउ, यू कैन शेयर इट विद समवन। ओके, अभी आपको सिर्फ मेरा इतना इंटेंशन था, मैनेजर और एमडी में डिफरेंस क्लियर हुआ? अरे मैनेजर इज अ पर्सन हु इज बीन एम्पावर्ड विद सब्सटेंशियली द होल और होल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, वेयर एज एमडी इज द पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है, ये हमने दो डिफरेंस देखे, दो चीज देखी आराम से। अब बात करते हैं हम होल टाइम डायरेक्टर की। होल टाइम डायरेक्टर के बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सबका ध्यान यहीं से। मैं पहले पढ़िए इसकी डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं। होल टाइम डायरेक्टर means a director who is in whole time employment of the company. Whole time director means a director who is in whole time employment of the company. ध्यान से सुनिएगा मेरा question. There is a director. There is a say part time director. There is a part time director who is also a whole time employee of the company. आप समझते हैं, employee है वो, एक वो part time director है और उसके साथ में वो company के employment में भी है। Part time director है और साथ में company के full time employment में है। Will he be counted as a whole time director? Yes, yes, yes. I'll tell you why. The definition of whole time director says that whole time director means a director. Is he a director? Is he a director? Just yes or no? Yes. Who is in? Is he in whole time employment? Again, yes. Henceforth, he will be called as a whole time director. Any director who is in whole time employment of the company is called as whole time director. Yes, please. Accountant? Eh? The point is, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर लॉ की नजरों में होल टाइम डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो अपना होल टाइम कंपनी को देता है, तो टेक्निकली वो यहाँ पे स्टिक हो जाता है। तो होल टाइम डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। पहला क्वेश्चन पूछेंगे क्या वो डायरेक्टर है, आपका हाँ है। क्या वो कंपनी को होल टाइम सर्व कर रहा है, हाँ कर रहा है। ही विल बी काउंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर। देखिए ये डिफरेंस जो हम आज देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस है हमारी प्लेन रीडिंग में और लॉ की नीड के हिसाब से हमारी रीडिंग में। जब हम लॉ के नजरों से रीड करते हैं तब ये तीनों डेफिनेशन है जिसका हल्का सा इंटरप्रिटेशन कुछ अलग निकलता है। हमारी जगह कोई लेमैन रीड करेगा तो वो क्या देखेगा, होल टाइम डायरेक्टर मतलब जिसके नाम के आगे होल टाइम डायरेक्टर लिखा हो, मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये छोड़ी ना, एक रैंडम आपका भी आज ही लेक्चर के पहले जो परसेप्शन था वो हमेशा से यही होगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर की बात करेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट ऊपर होती है, ऐसा हमें लगता है एज ए लेमैन। बट आज हमने क्या सीखा, नहीं नहीं नहीं, मैनेजर की पोस्ट ऊपर होती है। तो ये जनरल लेमैन और एक कंपनी लॉ स्टूडेंट के लुकआउट से कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो यहां पे अभी तक हमने सिर्फ देखा होल टाइम डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर, सिर्फ ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब मैं आपको बाकी डेफिनेशंस बताऊंगा, आप बहुत खुश होंगे। सीईओ इज अ पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सीईओ, बहुत आगे जाएंगे। सीएफओ इज अ पर्सन हु हैज बीन
और सबसे बढ़िया डेफिनेशन दी है उन्होंने सीएस की. सीएस की डेफिनेशन इतनी प्यारी डेफिनेशन दी गई है, आप लोगों के नोट्स में सीएस की डेफिनेशन दी नहीं है ना, मैंने उसके ऊपर एरो करके लिखी है. नेक्स्ट पेज पे यू कैन सी द डायग्राम राइट. उस डायग्राम में आपको सीएस दिख रहा होगा, उस सीएस की डेफिनेशन के ऊपर लिखिए एरो करके, मींस अ सीएस, मींस अ सीएस हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, मींस अ सीएस हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द सीएस, द फंक्शंस ऑफ अ सीएस. आई रिपीट अगेन, मींस अ सीएस हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ सीएस. क्या बात है, क्या डेफिनेशन लिखी है. अभी तो आपने लिख लिया, अभी एक बार रीड करिए उन्होंने क्या डेफिनेशन लिखवाई है सीएस की. देखिए आप लोगों ने, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, ये डेफिनेशन मेरी आपकी नहीं है, ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट की दी हुई है. सीएस मींस अ सीएस, हाँ क्या, हाँ सीएस मींस अ सीएस हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीएस टू डू द फंक्शन ऑफ अ सीएस. हाँ बिल्कुल यही, ये डेफिनेशन दी गई है. तो हमने क्या देखा कि सीएस की डेफिनेशन ठीक है, सीईओ की डेफिनेशन ठीक है, सीएफओ की डेफिनेशन ठीक है. जो तीन डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो है एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर की. बिल्कुल ठीक है, ये छह लोग होते हैं की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी. ये छह लोग होते हैं की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी. हमें आज ये पता चल गया कि हाँ ये लोग, अरे आप लोगों ने जिस मोमेंट पे देखा सीएस का नाम यहां पर आया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा कि हमारे सीएस का नाम यहां पर आया. यारों एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. हमें लगता है हम बहुत खुश होते ना कि सीएस का नाम यहां पर आया, एक्चुअली इट इज नॉट अ गुड थिंग. पूरा केएमपी पढ़ेंगे हम, पूरे शिद्दत से, बोले प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे. आफ्टर दिस लेक्चर आपको केएमपी के अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी, बट आफ्टर दिस लेक्चर एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं कि कभी भी कंपनी कोई चीज गलत करती है तो लॉ आकर किसका गला पकड़ता है, एक्चुअली केएमपी का गला पकड़ता है. और केएमपी में चुपके से जो सीएस का नाम इंसर्ट किया है उससे हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हम एट रिस्क आ चुके हैं, एट रिस्क आ चुके हैं. आप यहां देखेंगे ना, सीईओ सीएफओ एमडी मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर सब बड़े बड़े लोग, और उनके बीच में एकदम चुपके से सीएस. ये इसीलिए है कि सीएस कहीं ना कहीं यहां पर उसकी ड्यूटी आ जाती है टू कंप्लाई विद ऑल द लॉज, क्योंकि अगर लॉ में बिल्कुल भी कंप्लायंस नहीं हुआ ना तो सीधा लॉ के गर्दन पकड़ेगा आप लोगों की. जिन लोगों का नाम आपको बोर्ड पर दिख रहा है इन लोगों की गर्दन पकड़ी जाती है इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय द कंपनी, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय द कंपनी केएमपी. क्योंकि ये वो लोग है ना जो शायद असली में सब कुछ मैनेज कर रहे हैं. चलिए ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक और चीज बताता हूं कंसेप्चुअली, ध्यान से. यहां पे बहुत सारे केएमपी लिखे हैं, इनमें से होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इन तीनों में कुछ कॉमन है. देखिए क्या कॉमन लगता है आपको इन तीनों में, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है. देखिए ये तीनों वो हैं जो अपना होल एंड सोल कंपनी को दे रहे हैं, जो अपना होल एंड सोल कंपनी को दे रहे हैं फॉर कंपनीज मैनेजमेंट. सर सीईओ सीएफओ, अरे यारों ये अपना रिस्पेक्टिव ड्यूटी करते हैं बस. जैसे कि सीएफओ है तो वो सिर्फ फाइनेंस हैंडल करता है, वो फिर बाकी कोई और चीज नहीं देखता, वो सिर्फ फाइनेंस हैंडल करता है. सीईओ है तो वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस हैंडल करता है, वो और कोई भी काम नहीं करता. लेकिन ये तीन लोग जो हैं, ये तीन लोग कंपनी का ओवरऑल काम हैंडल करते हैं. ओवरऑल ये तीन चीजों, हर चीज के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये लोग सब कुछ हैंडल करते हैं. इसलिए हम हमारे चैप्टर की कन्वीनियंस के लिए इन तीनों को बोलेंगे कैटेगरी वन केएमपी. कौन कौन? होल टाइम डायरेक्टर,
मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इनको हम कहेंगे कैटेगरी वन केएमपी। अरे सर क्या लॉ ने कहा है? नहीं नहीं नहीं, हम इनको कह रहे हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए कैटेगरी वन केएमपी। क्यों कह रहे हैं सर? अरे ये वो लोग हैं जो एकदम कोर काम हैंडल करते हैं, ये वो लोग हैं जो एकदम कोर काम हैंडल करते हैं, बाकी लोग अपना अपना काम हैंडल करते हैं। जैसे कि सीएस है, तो क्या सीएस कंपनी के फाइनेंस में कहीं पे भी इंटरफेयर करता है कि कंपनी पैसा कहां इन्वेस्ट करी? नहीं नहीं, सीएस सिर्फ ध्यान रखता है कि कंपनी के लॉज कंप्लाइड है नहीं। तो ये तीन लोग तो सिर्फ अपना अपना काम हैंडल करते हैं, लेकिन ये तीन लोग जो कैटेगरी वन है, कैटेगरी वन केएमपी सब कुछ हैंडल करते हैं कैटेगरी वन की। तो इनको हम हमारी कन्वीनियंस के लिए कैटेगरी वन केएमपी बोलेंगे। क्यों बोल रहे हो सर? वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब हम कुछ प्रोविजंस पढ़ रहे होंगे। इन कैटेगरी वन वालों के लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं थोड़े से, इसलिए चलिए कमिंग बैक टू द चैप्टर। सबसे पहले आपको पेज वन पे दिख रहा है कि हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली है। डेफिनेशंस के एंड में आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, डेफिनेशन के एंड में आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। उन पॉइंट्स का, उन मासूम मासूम से पॉइंट्स का, यारो फर्स्ट पॉइंट रीड करिए। आई थिंक आपने फर्स्ट पॉइंट पहले ही पढ़ लिया है। बिल्कुल सही यारो। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इतना सा कहता है कि कोई भी द अपॉइंटमेंट ऑफर, ध्यान से देखिए सेकेंड पॉइंट में, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? कैटेगरी वन की। कैटेगरी वन का कभी भी आप अगर अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर होगा। उसका प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, उसके बाद में जनरल मीटिंग और फिर उनका अपॉइंटमेंट होगा। दैट इज पॉइंट नंबर टू इन योर नोट्स। पॉइंट नंबर टू के अंदर आपको दिख रहा होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की बात कर रहे हैं। ये लोग होते हैं कैटेगरी वन, इनकी बात कर रहे हैं। सर बाकियों को अपॉइंट करना है तो बाकियों को अपॉइंटमेंट का कोई इश्यू नहीं है, बाकियों को सिर्फ बोर्ड भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इन तीनों को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन और उसके बाद में शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कैटेगरी वन के लिए। तो कैटेगरी वन के लिए हमने अभी एक स्पेशल चीज देखी कि कैटेगरी वन, देखिए सुनिए, केएमपी के सब का मतलब क्या होता है, आप सब समझ चुके हैं है ना? चलिए ये हो गया। कैटेगरी वन वालों के लिए हमने एक स्पेशल प्रोविजन देखा कि इन कैटेगरी वन वालों का अगर अपॉइंटमेंट होता है तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, thereafter ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद में इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। सिर्फ इन लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। देखिए यारों क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। यहां पर सब लोग, यहां पे मैंने केएमपी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है? ये इनमें से किसी को भी अपॉइंट किया मैंने बोर्ड मीटिंग में, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, उसके थोड़े दिन बाद मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेने के लिए गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे बोर्ड मीटिंग हुई, मैंने उन्हें अपॉइंट कर दिया, यहां पे जनरल मीटिंग में उनको, मुझे वापस जनरल मीटिंग लेनी थी ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए, वहां पे उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया शेयर होल्डर्स में। सवाल ये आता है कि इस टेन्योर में उन्होंने जो भी काम किया ना, उसका क्या? समझ रहे हैं आप लोग, इस टेन्योर में जो काम किया उसका क्या? क्या इन सब चीजों को मैं इनवैलिड मान लूं क्या? लॉ का कहना है नहीं, उन्होंने इस मोमेंट तक जितना भी काम किया था वो सारी चीजें वैलिड है, दे आर नॉट इनवैलिड। क्योंकि देखिए उन्होंने यहां से आता तो गुड फेथ में काम किया था ना, बिकॉज दे वर थिंकिंग दे विल बी अपॉइंटेड एट द जनरल मीटिंग, इफ एट ऑल दे आर नॉट अपॉइंटेड, तो यहां से हियर एंड आफ्टर दे कैन नॉट वर्क। Thereafter, अगर कुछ करते भी हैं तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन इसके पहले जो काम किया दैट इज वेरी वेल वैलिड। बिल्कुल ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर थ्री इन योर नोट्स। चलिए उसके बाद में एक बहुत खास चीज पढ़ने वाले हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा सब लोग यहां पे? अभी तक हमने यारों सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि केएमपी होता क्या है, बस। बाकी तो हमने छोटे मोटे पॉइंट्स देखे, ये तो आपको याद रहेंगे एनीवे, एक बार समझने के बाद। आपने अभी सिर्फ ये खास चीजें पढ़ी कि केएमपी होता क्या है। केएमपी अब सब लोग आप बस दिमाग में देखिए कौन होता है। सबसे पहले सीईओ सीएफओ, उसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, उसके बाद में होल टाइम डायरेक्टर और सीएस। उसमें हमने डेफिनेशन देखी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर की, हमने देखा अ पर्सन हैव गिवन सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर।
if a person is given whole or substantially the whole powers of management, he becomes manager. बिल्कुल ठीक है. एंड होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. वेरी कंफर्टेबल अभी तक. चलिए इसके बाद जो हम देख रहे हैं, आप देखिए आपके पेज के, आपको डिस्क्वालिफिकेशन वाला चार्ट दिख रहा है. हम उस डिस्क्वालिफिकेशन वाले चार्ट के ऊपर हैं. एकदम ध्यान से मुझे आपका फोकस यहां पे चाहिए. इस चैप्टर के अंदर मैंने दो तीन चार्ट्स बनाए. ट्रस्ट मी, उन चार्ट्स में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा. पूरा फोकस यहां पे एक मिनट के लिए. हम पढ़ रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ होम. पहले देखिए उस पैराग्राफ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन जब शुरू हो रहा है, हम डिस्क्वालिफिकेशन आखिर किसकी पढ़ रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन जब स्टार्ट हो रहा है वहां पे पढ़िए एक बार. क्या लिखा है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और, मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन इज ओनली फॉर, आपका जो आपको चार्ट दिख रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके पास में लिख दीजिए कैटेगरी वन. दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज ओनली फॉर कैटेगरी वन केएमपी. मतलब अभी तक हमने ये तो सीख लिया है कि जो कैटेगरी वन केएमपी है ना, वो बनना बड़ा मुश्किल है. वो बनना बड़ा मुश्किल है सर, ये तो बहुत दर्द है. आप टुवर्ड्स द एंड रियलाइज करेंगे कि उनको रेम्यूनरेशन भी फिर ज्यादा दिया जाता है. तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कैटेगरी वन केएमपी की डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं. ये तो समझा आपको. अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने दो एरो बनाए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट इज पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज केएमपी. मतलब ये जो इसके नीचे आपको तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, दीज आर ब्लंट डिस्क्वालिफिकेशन. सर ब्लंट डिस्क्वालिफिकेशन मतलब यहां अगर अट्रैक्ट हो गया तो वो पर्सन फिर केएमपी नहीं बन सकता. यहां पे वो अट्रैक्ट हो गया तो वो पर्सन केएमपी नहीं बन सकता. तो फिर सर ये जो उधर आपने फोर पॉइंट्स दिए उसका मतलब क्या है? अगर पर्सन जो राइट हैंड साइड वाले फोर पॉइंट्स में अट्रैक्ट होता है तो वो केएमपी फिर भी बन सकता है, बट ही हैज टू ऑब्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. मतलब डिस्क्वालिफिकेशन दो तरह के पड़ रहे हैं. एक ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ कि वो केएमपी बन ही नहीं सकता अगर यहां अट्रैक्ट हो गया. मतलब उन डिस्क्वालिफिकेशन तो मुझे दूर रहना है, बहुत उन डिस्क्वालिफिकेशन तो मुझे बहुत दूर रहना है. उन डिस्क्वालिफिकेशन में अट्रैक्ट हो गया तो मैं केएमपी बन ही नहीं सकता. लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, यहां पे अट्रैक्ट भी हो गया तो भी ऐसा है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके केएमपी बन सकता हूं. देखिए सुनिए ध्यान से समझिए, ये इस तरह से है कि जो आपके यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाली बीमारियां है ना, उन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है. एक बार वो बीमारी हो गई देन द पर्सन विल हैव टू डाई. कोई इलाज नहीं है. अट्रैक्ट हो गए मतलब केएमपी नहीं बन सकते. लेकिन जो राइट हैंड साइड वाली चार बीमारी है ना, उसमें अगर आप अट्रैक्ट भी हो जाते हैं तो आप फिर डॉक्टर से दवाई लेके सही हो सकते हैं. डॉक्टर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेंगे तो आप फिर भी केएमपी बन सकते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आपको डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, जनरल क्वालिफिकेशन. उनका कहना है कोई भी पर्सन जो फर्स्ट कैटेगरी केएमपी बनना चाहता है उसकी एज होनी चाहिए फ्रॉम 21 टू 70. सर ये क्यों प्रिस्क्राइब किया? देखिए आप रियलाइज करें, दिस इज द रीजनेबल एज समवेयर. 21 के पहले किसी को केएमपी बनाया जा सकता है क्या? अरे मतलब वो सुबह सुबह स्कूल जाता है और शाम को आपकी कंपनी में केएमपी का काम करता है? नहीं नहीं, नेकर में आता होगा डायरेक्ट वो. अरे यारो मेरी बात को समझिए, केएमपी के लिए एक बेसिक एज की रिक्वायरमेंट रखी गई है विच इज 21 टू 70. कहीं ना कहीं हमें 21 तो समझ में आता है कि सर 21 बिल्कुल ठीक है. रीजन बीइंग 21 के पहले एनीवन इज नॉट दैट मैच्योर इनफ टू हैंडल अ कंपनी. सर आप 70 कैसे कह सकते हैं? देयर आर पीपल बियॉन्ड 70 हु आर वर्किंग वेरी मच कंफर्टेबली. अरे देखिए कैसे आजकल एज इज नॉट द क्राइटेरिया. आप लोगों में से किसी ने अगर पिंक मूवी देखी है यू वुड हैव रियलाइज कि अमिताभ बच्चन, व्हाट्स हिज एज, वो आराम से 70-80 तक काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनको देख के लगता है. अरे बिकॉज इवन एट दिस एज ही इज वर्किंग एकदम कंफर्टेबली. तो अभी तो वो 15-20 साल और बहुत कंफर्टेबली काम करेंगे, दैट टू विद द सेम एनर्जी लेवल. तो मेरा ये कहना है कि हाउ कैन यू से दैट 70 इज द क्राइटेरिया. सुनिए 21 इज अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया. 21 से पहले तो आप बन ही नहीं सकते, लेकिन 70 इज नॉट अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया. सर कैसे कह सकते हैं आप 70 इज नॉट अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया? ध्यान से सुनिए, अगर आपकी एज 70 से प्लस है और फिर भी आप कंपनी के केएमपी बनना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है. ध्यान से सुनिएगा, या तो आपको कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट
अप्रूवल लेना है। आप देखिए डिस्क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट के अंदर थर्ड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर थर्ड पॉइंट देखिए, दिखा आपको, इफ एज एक्सीड्स 70, और उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल और स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब ऐसा है कि अगर 21 से कम है आप तो आप बन ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप 70 से ज्यादा हैं तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए सब मेंबर्स का, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लीजिए, उसके बाद आप बन सकते हैं। वेरी मच वैलिड, बिकॉज नोबडी कैन डिसाइड। देखिए कैसा है नाउ, तो अब ऐसा वक्त आ रहा है यारों कि अनफॉर्चुनेटली वी आर कंसिडरिंग 60 एज अ एवरेज एज। हम लोग जो हमारी लाइफ देखते हैं ना, तो हम तो मैक्सिमम प्लानिंग 60 तक की करते हैं, मैक्सिमम प्लानिंग कि 60 को मांगते हैं, दैट इज एन एवरेज एज। बट जरूरी थोड़ी है, देयर हैज बीन पीपल हू लिविंग फॉर 100 इयर्स। मेरे दादाजी की डेथ हुई थी 98 की एज पे, 2 साल और होता तो मजा आ जाता, बाकी मेरे दादाजी की डेथ हुई थी 98, मतलब इट वॉज वेरी कॉमन अर्लियर टू एज टिल 100। अरे देखिए माय पॉइंट इज जस्ट, अरे ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग 45-50 की एज में भी हवलों ऐसा बिहेव करते हैं, और कुछ लोग 80-85-90 की एज तक भी एकदम कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। तो दिस क्राइटेरिया कैन नॉट बी अ स्ट्रिक्ट वन, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल का ऑप्शन रखा गया। चलिए अब आते हैं हम स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन पे, एक एक करके हम तीनों डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, इंसॉल्वेंट और अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। यारो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी, एक होता है इंसॉल्वेंट, एक होता है जिसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, और एक होता है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। आप सुनिए ध्यान से, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु हैज बीन गिवन अ फ्यू रेस्ट्रिक्शंस बाय द कंपनी, बाय द कोर्ट। कोर्ट ने अगर किसी पर्सन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हुए हैं बिफोर डिक्लेयरिंग हिम इंसॉल्वेंट, अभी डिक्लेयर कर रहे हैं इंसॉल्वेंट पर कुछ सालों के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं, तो उसे कहा जाता है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। यहां क्या लिखा है, इवन इफ इज इंसॉल्वेंट और अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट वो डिस्क्वालिफाइड। मतलब अरे देखिए बड़ा लॉजिकल है ना, एक पर्सन जो पहले खुद ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था, उसके हाथ में क्या हमारी कंपनी दे देंगे, नहीं देंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ केएमपी मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। सेकंड पॉइंट, सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और हैज मेड कंपोजिशन विद देम। ध्यान से समझेंगे क्या है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में कभी भी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं दिया था, सस्पेंड किया था, डिले किया था, या उनके साथ में कॉम्पोजिशन किया। सर कॉम्पोजिशन मतलब क्रेडिटर्स मुझसे मांगते थे 50 लाख रुपीस, मैंने उनको कहा कि कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप लोग पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वही कि कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, मैं आपको 40 लाख रुपीस दे सकता हूं, लेते क्या। अगर उन्होंने कहा कि हाँ दे आर कंफर्टेबल, तो दिस इज अ कॉम्पोजिशन एंटर्ड विद द क्रेडिटर्स। तो अगर किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में क्रेडिटर्स के पेमेंट को सस्पेंड किया है, उनके साथ कॉम्पोजिशन में एंटर किया है, तो वो भी केएमपी नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं ये शो करता है दैट द पर्सन इज नॉट एबल इनफ, कि उसने कंपनी में ऐसा काम किया जो कि पेमेंट भी नहीं कर पाई। यस प्लीज, अगर कंपनी का रिस्ट्रक्शन, अरे देखिए कह रहे हैं कि अगर किसी डायरेक्टर ने कंपनी के साथ में सस्पेंशन या फिर क्रेडिटर्स का नॉन पेमेंट किया है, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं हो पाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है अंडर अ स्कीम, तो वहां पे इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्टर, आप समझिए। तो उसमें उस डायरेक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी ने लिया है ना पूरा का पूरा अंडर अ स्कीम, तो वहां पे डायरेक्टर की बिल्कुल गलती नहीं होती है। हम यहां बात कर रहे हैं इफ अ डायरेक्टर हैज मेड अ कंपोजिशन, मैंने मेरे लेवल पे अगर कभी कंपोजिशन या फिर सस्पेंड किया है, देन दैट डायरेक्टर कैन नेवर बी अ कैटेगरी 1 केएमपी, देन दैट पर्सन कैन नेवर बी अ कैटेगरी 1 केएमपी। सेकंड पॉइंट, थर्ड, सेंटेंस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 months, कि किसी भी पर्सन को कभी भी किसी भी ऑफेंस के लिए आपने कन्विक्ट किया और 6 महीने से ज्यादा की सजा दे दी, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी अ केएमपी। यारों ध्यान से सुनिए वापस सब लोग, यहां हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, अगर इन 3 पॉइंट्स में कोई पर्सन अट्रैक्ट होता है, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी अ केएमपी। हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहली चीज ये देखी, यहां पर सब लोग, हमने सबसे पहली चीज क्या देखी, हमने सबसे पहली चीज ये देखी कि एनी पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट या फिर वो नहीं बन सकता, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसने क्रेडिटर्स के पेमेंट को सस्पेंड या किया या कॉम्पोजिशन किया, वो नहीं बन सकता। और लास्ट पॉइंट वाज, अगर एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6
सिक्स मंथ्स, ये लोग कभी भी कैटेगरी वन के एमपी नहीं बन सकते। बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन जिसके अंदर पर्सन कैटेगरी वन के एमपी फिर भी बन सकता है, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से दवाई लेनी होगी। ये हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, इफ अ पर्सन हैज एवर बीन इम्प्रिजेंड और वॉज बाउंड टू मेक अ पेमेंट ऑफ फाइन एक्सीडिंग 1000। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं, ये तो हमने पढ़ लिया तीनों पॉइंट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा पर्सन जिसको कभी भी इंप्रिजनमेंट हुआ या फिर फाइन हुई मोर देन 1000 अंडर स्पेसिफाइड एक्ट्स, कुछ एक्ट स्पेसिफाई कर रखे हैं। अगर ऐसा कभी भी पर्सन ने अट्रैक्ट हुआ ना, तो उसे अगर फर्स्ट कैटेगरी के एमपी बनना है तो उसको लेना होगा अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सर यहां पे आपने सिक्स मंथ्स का कुछ लिखा है क्या? नहीं। अगर किसी पर्सन को किसी भी पीरियड के लिए इंप्रिजनमेंट हुई है और उसके बाद में वो केएमपी बनना चाहता है कैटेगरी वन, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो देखिए स्टोरी अगर लिंक करके हम पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई पर्सन को जीरो से लेकर सिक्स मंथ तक की इंप्रिजनमेंट हुई है तो वो केएमपी फिर भी बन सकता है आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर सिक्स मंथ से ज्यादा की हुई है तो वो केएमपी कैटेगरी वन नहीं बन सकता। ये हमने दोनों को साथ में पढ़ा तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद में अगर किसी ने फाइन पे किया है एक्सीडिंग 1000, मतलब अगर छोटे मोटे फाइन पे किए हैं तो चलेगा, अगर 1000 से ज्यादा का फाइन पे किया है अंडर स्पेसिफाइड एक्ट्स तो फिर नहीं चलेगा। सर ये कौन से स्पेसिफाइड एक्ट्स? देखिए आपके नोट्स के अंदर नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ स्पेसिफाइड एक्ट्स दिखेंगे। सर ये तो बहुत सारे, अरे यारों अभी आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेबस इतने प्यारे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि इनमें से 80% एक्ट तो वो आपको पढ़ा रहे हैं। इंडियन स्टैंप एक्ट किसमें पढ़ते हैं? ईसीएल। एक्साइज आप पढ़ेंगे प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में पढ़ेंगे आप एक्साइज, अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना, या प्रोफेशनल टैक्स में आता है एक्साइज। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन आईडीआरए कहां पढ़ते हैं? ईसीएल। प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन, ईसीएल में फूड अल्ट्रेशन तो पढ़ते हैं ना कहीं हम। उस एसेंशियल कमोडिटीज ईसीएल, आईएलजीएल, ईसीएल, अरे लाई झगड़े मत करिए, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद में कंपनीज एक्ट, कंपनीज लॉ, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिक्योरिटीज लॉ, वेल्थ टैक्स एक्ट। यारों यारों यारों, इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर अस दैट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आर स्टिल टीचिंग वेल्थ टैक्स एक्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन अबॉलिश्ड। दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट कोई बात नहीं, हम लोग चेंज करेंगे आगे जाके, चलिए। उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स। कस्टम आएगा हमारे प्रोफेशनल में। कॉम्पिटिशन एक्ट कहां पढ़ते हैं आप? ईसीएल। ये क्या ईसीएल पढ़ रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद में फेमा ईसीएल, सीका ईसीएल, सीका है कहीं ना कहीं, सही है, सीका हट चुका है, क्या बात है, बहुत आगे जाएंगे आप। मेरे टाइम पे शायद सीका भी था, आपने ही पढ़ा है, आपने नॉलेज के लिए पढ़ा होगा, बहुत आगे जाएंगे आप। उसके बाद में सेबी, सिक्योरिटीज लॉ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ईसीएल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ईसीएल। अरे ये तो ईसीएल का सिलेबस है, ये सारे एक्ट्स हैं। ओ इसके अलावा और भी हैं ईसीएल में, क्या बात है। सब्जेक्ट कभी कभी कितने आर्टिस्टिक तरीके से डिजाइन किया जाता है, मतलब एक तरफ तो एक एक्ट है पूरा कंपनीज एक्ट, उसमें सब्जेक्ट है, और एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया जिसमें, मतलब ये समझिए कि जो सिलेबस बनाने वाला घर से निकला था, उसको जो जो दिखा उसने वो आपके कोर्स में रख दिया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है, और उसके अलावा जो एक्ट उन्होंने नहीं रखे ना, छोटे मोटे छोड़ दिए गलती से, थोड़े बहुत छूट गए उनसे गलती से, वो बहुत जल्दी ऐड कर लेंगे आपके सिलेबस में, उनका भी कोई लेना देना नहीं कि उनको क्यों ऐड नहीं किया, उनका ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही नहीं होता, आंखें बंद। हम एक आपने सुना होगा फ्रेंड्स में कभी ऐसा ट्रिप होता है, आंखें बंद रख के मैप पे उंगली रखते हैं, जहां आया वहां जाएंगे, उन्होंने भी ऐसे ही रखा, उन्होंने आंखें बंद की, ऐसे लॉस पे रखा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इस तरह से आपका बहुत प्यारा सिलेबस है ईसीएल का। चलिए तो ये है, अरे यारो इनमें से के पांच छह याद नहीं रहेंगे, सारे याद रहेंगे ना, तो ये अगर इनमें से किसी भी एक्ट के अंदर आपको इंप्रिजनमेंट या फाइन हुआ है तो फिर फाइन एक्सीडिंग 1000 तो आप केएमपी नहीं बन सकते विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। चलिए इसके बाद में सेकेंड पॉइंट, इफ यू हैव एवर बीन डिटेन्ड, अरे डिटेन्ड मतलब क्या होता है? नहीं, डिटेन मतलब क्या होता है? अरे अरे कभी कभी पुलिस नहीं करती आपको,
चलो, आपको कभी कभी पुलिस डिटेन कर लेती है, कस्टडी में डिटेन कर लिया जाता है। इफ यू हैव एवर बीन डिटेन अंडर फॉरेन एक्सचेंज या फिर स्मगलिंग, तो भी यू कैन नॉट बी अ कैटेगरी वन केएमपी विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। बिल्कुल चलेगा। उसके बाद वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एज मोर देन 70, 70 ज्यादा एज है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने के बाद बन सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज अ नॉन रेसिडेंट पर्सन। मतलब सर क्या मतलब? इतना सा अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट वो आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, फिर ही वो बन पाएगा। चलिए यहां पर एक बार आप देखें एक चीज, इनमें और उनमें क्या डिफरेंस क्या है। हम देखिए अभी भी बात कर रहे हैं कैटेगरी वन की, है ना, पूरा कैटेगरी वन का डिस्कशन चल रहा है। हमने ये देखा कि ठीक है कैटेगरी वन में अगर वो यहां अट्रैक्ट हो जाते ना, वो बन ही नहीं सकते। हो जाता है कभी कभी मुझसे ऐसा, वो बन ही नहीं सकते, लेकिन लेकिन अगर यहां अट्रैक्ट होते हैं तो वो बन सकते हैं। अरे यारों, उसका एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। यहां पे जो भी आपने पॉइंट्स देखे ना, वो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश देते हैं कि पर्सन की गलती शायद नहीं रही होगी। देखिए कैसे, ये इस तरह से यहां पे दिया गया है, फाइन एक्सीडिंग 1000 अंडर स्पेसिफाइड एक्ट। ये जो भी एक्ट लिखे गए ना, आपको दिया है कि आप या तो इम्प्रिजनमेंट हुआ है या फिर फाइन एक्सीडिंग 1000 अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट। यार जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उसने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया हो। हमने देखा इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर मान लीजिए कि किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगाना था ऑफ सम सर्टेन वैल्यू, आपने बहुत कम लगा, आपने नहीं लगाया तो आपने उसमें डिफॉल्ट कर लिया ना, आपके ऊपर हो सकता है फाइन लग गया हो 5000 रुपए का, समझ लीजिए। और तो सिर्फ इतनी सी बात की वजह से मुझे आप केएमपी नहीं बनने देंगे। तो इसमें ये रखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल सी कि आपने जो गलती की वो कितनी ग्रीवियस थी, कितनी बड़ी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, छोटी मोटी मासूम सी गलती है तो वो आपको अलाउ कर देगा। सेकेंड में क्या लिखा है, डिटेन्ड अंडर फॉरेक्स। मैंने ये लिखा है कि ही हैज बीन कन्विक्टेड, ही हैज बीन फाइंड, ही हैज बीन इम्प्रिजनमेंट। अरे ही इज जस्ट डिटेन्ड। यारों जरूरी है क्या, जरूरी है कि आपको डिटेन किया है मतलब आपकी गलती होगी? नहीं, जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपको डिटेन किया है तो आपकी गलती होगी। हो सकता है डिटेन करने के बाद में इवेंचुअली पता चले कि आपकी गलती नहीं है। उसके बाद में एज 70, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एनआरआई इतना सा रखा गया है कि जनरली केएमपी आपका रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए, क्योंकि केएमपी जो होगा ना वो आपकी कंपनी को पूरे टाइम हैंडल करेगा, तो एक नॉन रेसिडेंट कैसे करेगा? तो इतना सा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल सी दैट द पर्सन इज रेडी टू डिवोट हिज होल टाइम और नॉट। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स कि हाँ वो पर्सन यहाँ के पूरा टाइम ही कंपनी को देने वाला है तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा। तो इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, यहां पे ब्लंट डिनायल कि अगर उधर केसेस में अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो पर्सन कभी भी केएमपी नहीं बन सकता। ये यारों हमने पढ़ा डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ेंगे, सबसे पहले केएमपी कौन कौन होता है, समझ गया सबको? उसके बाद में हम देख रहे थे केएमपी कौन कौन नहीं हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन। हमने पढ़ा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैटेगरी वन। चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं चैप्टर में। डिस्क्वालिफिकेशन देखिए हमने, चलिए उसके बाद में आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए क्या कहना चाहते हैं, ये इतना सा कहना चाहते हैं, अब देखेंगे रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या आप मैनेजिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर सकते हैं? क्या लगता है मैनेजिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? देयर मस्ट नॉट, इतना सा कहा जा रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की एक एक्सपायरी टर्म होगा, उस टर्म के पहले अगर आप चाहें तो उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। सर वो टर्म क्या होगा, उस पे हम लोग अभी आएंगे। देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट जिसके अंदर दे कुड बी अपॉइंटेड। तो जब तक वो टर्म चल रहा है तो उसके अंदर यू कैन वेरी वेल रीअपॉइंट देम। बहुत कंफर्टेबल है, कुछ भी नहीं है। आपके लिए एक खास चीज है, रूल 8 एंड रूल 8A। ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग अभी, यहां पे सब लोग ध्यान से फोकस यहीं पे, रूल 8 एंड रूल 8A। इसमें 8A जब आप देखेंगे तो आप लोग बहुत खुश होंगे, आप लोग बहुत खुश होंगे। इनका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर शेल हैव होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल।
अरे यारों, पता है ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि हर लिस्टेड कंपनी या फिर हर पब्लिक कंपनी का पेड कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, इन कंपनीज के अंदर हमने जो लिस्ट देखी है ना पहले, पूरी लिस्ट, वो लिस्ट के सारे केएमपी होने चाहिए, वो लिस्ट के केएमपी होने चाहिए। ये चीज देखिए, अगर मतलब ये लिस्टेड कंपनी को तो होने ही चाहिए, कोई भी अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर 10 करोड़ से ज्यादा कैपिटल है, उसके अंदर भी वो सब लोग कंपल्सरीली होने चाहिए। समझ गए इतना कह रहे हैं? अरे बट आप एक चीज सुन के बहुत खुश होंगे कि इन सब की अपॉइंटमेंट की लिमिट कितनी है? 10 करोड़। एक कंपनी का जिस मोमेंट पेडअप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ही एक्सीड हो जाता है ना, उसको एक सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है। मतलब ध्यान से समझिए, मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं तो मुझे इन सबको अपॉइंट करना ही करना है, लेकिन मैं अगर एक पब्लिक कंपनी हूं जिसका पेडअप कैपिटल है सिर्फ 4 करोड़, मुझे क्या किसी को अपॉइंट करना कंपलसरी है? नहीं, मेरा पेडअप कैपिटल हो गया 5 करोड़, मुझे अभी बाकी सब केएमपी को तो अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सीएस को अपॉइंट करना कंपलसरी है। मेरा पेडअप कैपिटल अब हो गया है 8 करोड़, किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीएस को रखना है। द मोमेंट माय पेडअप कैपिटल इज 10 करोड़, नाउ आई नीड टू अपॉइंट ऑल अदर केएमपीज एज वेल। दिस इज पॉइंट ए, रूल 8 एंड रूल 8A। देखिए एक बार रूल 8 और 8A को आप रीड करिए एक बार, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड। यस पीपल, अंडरस्टूड? वेरी मच इजी ना? अरे इतना सही तो कह रहे हैं कि सीएस तो आपको 5 करोड़ पे अपॉइंट करना पड़ेगा और बाकी सारे केएमपी आप 10 करोड़ के बाद अपॉइंट कर सकते हैं कंफर्टेबल। इसके बाद आता है, ये हो गया, हमने देख लिया सब कुछ, अब छोटी मोटी सी कुछ बातें हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, कुछ मासूम से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहली चीज इनका कहना है, आप एक लॉजिकली मुझे चीज बताइए, कैन अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ केएमपी इन टू कंपनीज एट द सेम टाइम? शुड ही बी? देखिए कहीं ना कहीं केएमपी सारे वो लोग थे जो होल टाइम कंपनी को सर्व कर रहे थे, तो यही कहना चाहते हैं दैट अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड ओनली इन अ कम सिंगल कंपनी। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सब लोग यहां पे चाहिए मुझे 1 मिनट के लिए, बहुत ही कंफर्टेबल चीज है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से रखिएगा, हर एक पॉइंट को लेकर समझना है अच्छे से को, याद ज्यादा रखने की चीजें नहीं है, याद रखने की चीज थोड़ी सी रेम्यूनरेशन के केस में आएगी जब मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप सिर्फ प्यार मोहब्बत से इसको समझते रहिए। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक पर्सन सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर केएमपी का काम कर सकता है, मतलब एक केएमपी जो है वो एक कंपनी के अंदर ही सर्व कर सकता है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी में कर सकता है, मतलब ये कंपनी है, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो हाँ वन कंपनी इंक्लूडिंग सब्सिडरी कंपनी। सर ऐसा क्यों? अरे ये समझिए, मैं एक केएमपी हूं, मैं मेरी कंपनी को सर्व कर रहा हूं, सब्सिडरी है का मतलब क्या हुआ? मेरी कंपनी ने उसमें शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में भी तो मेरा इंटरेस्ट हुआ, हाँ तो मैं अपनी कंपनी और अपनी सब्सिडरी इन दोनों को सर्व कर सकता हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी कंफर्टेबल। ये हो गया, तो ये हो गया रूल कि एक केएमपी एक ही कंपनी में सर्व कर सकता है। एक स्पेशल चीज है, अब देखिए क्या हुआ, पेप्सिको के सीईओ हैं, यहां पे केएमपी है, ठीक है, हमने देखा यार वो तो बहुत ही कंपनी बहुत आगे जा रही है, बहुत गजब की कंपनी, बहुत ही प्यारी कंपनी, बहुत आगे जा रही है, अरे मतलब नहीं, हमें तो वही सीईओ चाहिए। ऐसा कभी कभी लाइफ में होता है ना यारो, हमें किसी चीज की क्रेविंग होती है, किसी वो चाहिए मतलब वही चाहिए, हमारी कंपनी को भी ऐसा लगा कि अगर वो सीईओ हमारी कंपनी को मिल जाए तो हमारी कंपनी बहुत ग्रोथ कर सकती है, लेकिन यार वो तो पहले से किसी और कंपनी के सीईओ है, अब क्या करें? तो हमने उनको ऑफर दिया जाकर कि मैम आप उस कंपनी में भी कंटिन्यू करिए और आप हमारी कंपनी में भी आ जाइए, तो वो बोले अरे नहीं, मैंने कंपनी लो पढ़ा है, कंपनी लो के अंदर लिखा है कि एक पर्सन एज अ केएमपी एक ही कंपनी में सर्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैम आपने एक पॉइंट तो पढ़ा था लेकिन आपने दूसरा पॉइंट नहीं पढ़ा। ध्यान से देखिए क्या,
A KMP can at max serve two companies in a case where all the directors are agreeing to it. मैंने क्या लिखा है? All. क्या मैंने ये लिखा? Majority? नहीं, all the directors are agreeing to it. मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन को एक केएमपी अपॉइंट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी केएमपी है, मतलब वो पर्सन दो कंपनी को सर्व करेगी, तो आपको पहले अपने बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करना होगा. और इस रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं जो सब लोग पास करते हैं? यूनैनिमस रेजोल्यूशन. यूनैनिमस रेजोल्यूशन का मतलब यह होता है एक ऐसा रेजोल्यूशन विच मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एवरीवन. ऑल द डायरेक्टर्स are agreeing to it unanimously. का मतलब ये समझ लीजिए कि आज मैंने आप सबको बोला कि यारो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हूं, लेकिन मैं संडे को क्लास जो है ना हमारे रेगुलर मॉर्निंग टाइम पे नहीं लूंगा, मैं संडे को क्लास लूंगा सेम टाइम पे लेकिन एएम नहीं पीएम. मैंने कहा मैं क्लास लूंगा रात को 9 बजे आपकी. तो आप में से कुछ लोग बोले कि नहीं 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 नहीं. तो मैंने कहा आपको, देखिए सुनिए, आपकी भलाई की बात है लेकिन अगर एक भी पर्सन मना करेगा तो मैं नहीं लूंगा. अगर आप सब ने हाँ किया तो ही मैं लूंगा. इवन इफ वन पर्सन विल रिजेक्ट ना, आई विल नॉट टेक क्लास ऑन दैट डे. मैं मंडे को ले लूंगा. दिस इज कॉल्ड एज पासिंग ऑफ एन यूनैनिमस रेजोल्यूशन. मतलब अगर एक भी डायरेक्टर ने मना कर दिया ना तो वो पर्सन दोनों कंपनी में काम नहीं कर सकता. अगर ऑल द डायरेक्टर्स आर अग्रीइंग टू इट देन ओनली द पर्सन कैन एक्ट एज डायरेक्टर, द पर्सन कैन एक्ट एज केएमपी इन टू कंपनीज. दिस इज द ओनली सिनेरियो जब हो सकता है. बाकी गोल्डन रूल तो यह रहता है कि एक कंपनी एक केएमपी, स्टोरी खत्म. ये एक सिनेरियो है जहां सब डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेते हैं तो फिर अ स्टोरी कम्स जहां पर आप ऐसी चीज सोच सकते हैं. उसके बाद में आपको फोर्थ पॉइंट दिख रहा होगा. फोर्थ पॉइंट इतना सा दिख रहा है कि कभी भी मान लीजिए आपका केएमपी ऑफिस छोड़कर जाता है, देयर इज अ वेकेशन इन द केएमपी ऑफिस, यू नीड टू अपॉइंट द केएमपी इन 6 मंथ्स. अंडरलाइन कर लीजिए 6 मंथ्स. 6 मंथ्स में आपको अपॉइंट करना है, वो वेकेशन आपको फिल करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. अब यारो इसके बाद में आपको एक मासूम सी चीज दिखेगी, फंक्शंस ऑफ सीएस. रीड इट वंस. फंक्शंस ऑफ सीएस को रीड करिए एक बार. रीड इट फंक्शंस ऑफ सीएस आराम से कंफर्टेबली. पढ़ा आपने? अरे यारो इसको पढ़ने से आपको क्या क्या पता चला? इसको पढ़ने से आपको पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी मेजरली क्या काम करता है, सजेस्ट 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 सजेस्ट, मतलब वो डायरेक्टर्स को
हर एक मोमेंट पे कहता है कि एक एक कदम फूंक फूंक के रखो। देखिए सुनिए होता क्या, प्रैक्टिकली समझिए यहां पे सब लोग। एक कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो लोग कोर काम में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके काम में। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्टर्स टेक्निकल काम में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन सिर्फ उनके काम में। उनको पता है काम कैसे करना है, लेकिन उनको सिर्फ अपना काम पता है। दे डोंट एक्चुअली नो कि वो काम करते समय क्या क्या लीगल कंप्लायंस बीच में आते हैं। वो काम करते समय क्या क्या लीगल कंप्लायंस बीच में आते हैं। तो सीएस क्या करता है, ध्यान से समझिए, सीएस हर एक डायरेक्टर को उसकी लिमिट बताता है। सीएस हर एक डायरेक्टर को कहता है कि आप ये करना चाहते हैं ना, ध्यान रखिए ये लॉज आर टू बी कंप्लाइड विद, इन इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। जनरली सीएस हैज टू मेक श्योर। देखिए कैसा है, आप समझिए, आप लोग सीएस कर रहे हैं, कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर बोलेगा अरे अर्जेंट में मुझे सब डायरेक्टर से बात करनी है, कल के कल बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। तो आप उसको समझाएंगे हवले रुक, अब उसको बोलेंगे हवले रुक, देयर इज अ प्रोविजन, यू हैव टू गिव अ 7 days नोटिस। ऐसे आप कल की कल में नहीं बुला सकते, या आपके मामा चाचा ताऊ नहीं है, फोन करा और घर बुला लिया। यहाँ पे एक लॉजिक होता है 7 days नोटिस। उसे नहीं पता होगा, उसके सामने सिर्फ हमेशा उसकी नीड रहेगी, जरूरत रहेगी, कंपनी की नीड होगी। यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द प्रोविजंस आर बीइंग कंप्लाइड। वो कहता है नहीं हमें अर्जेंट में करना है, आप बोलोगे ठीक है, लेकिन जस्ट मेक श्योर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोविजन आपको पता है, ये प्रोविजन डायरेक्टर्स को नहीं पता होता है। तो आपने इन सब पॉइंट्स में रियलाइज किया होगा कि एक सीएस की ड्यूटी होती है, सीएस हैज टू मेक श्योर कि जो भी डायरेक्टर्स कर रहे हैं वो सब रिव्यू करता रहे कि वो कहीं ना कहीं लॉ के फोर कॉर्नर्स में ही होने चाहिए। उसके अलावा सीएस का काम होता है, जब भी कोई मीटिंग हो रही है, जो भी बोर्ड मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग, उसको ऑर्गेनाइज करने में सीएस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, सीएस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इन ऑर्गेनाइजिंग ऑन दोस मीटिंग्स। ये सब जो पॉइंट्स आपने देखे, दीज वर मेजर फंक्शंस ऑफ सीएस। बिल्कुल ठीक है, अब हम आ रहे हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट चैप्टर बचा है अभी, लेकिन इस चैप्टर को मैंने जैसे कि आपको बताया था, चैप्टर में हम पढ़ेंगे केएमपी क्या होता है, उसके बाद देखा केएमपी की क्वालिफिकेशन मतलब स्पेशली डिस्क्वालिफिकेशन, और अब हम आ रहे हैं रेम्यूनरेशन वाले पार्ट पे। आपका मुझे फोकस 100% चाहिएगा। इसमें होता क्या, आई टेल यू जनरली, या आपने भी अगर कभी पहले पढ़ने की कोशिश की होगी, ये जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो रेम्यूनरेशन वाला पार्ट क्या होता है, एक लाइन पढ़ी समझ गई, एक और लाइन पढ़ी समझ गई, एक और लाइन पढ़ी समझ गई। जब इन तीनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो समझता नहीं है। जब इन तीनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर समझता नहीं है, क्योंकि रेम्यूनरेशन का जो कंसेप्ट है ना, वो एक बहुत ही प्रॉपरली डिजाइंड है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो रेम्यूनरेशन का कंसेप्ट है ना, वो रेम्यूनरेशन का कंसेप्ट एक जगह पे नहीं लिखा है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में, थोड़ा है शेड्यूल के पार्ट वन में, थोड़ा है शेड्यूल के पार्ट टू में। हम जो पढ़ेंगे, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, वो उन सब की समरी है। सब कुछ पढ़ लेने के बाद मैं जो चाहता हूं, जो आपके लिए फाइनली कुक्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, वो आज आपके सामने होगा। अरे ऐसा होता है ना, कभी कोई डिश खाते हैं तो उस डिश के अंदर क्या होना चाहिए, उस डिश के अंदर जो चावल होने चाहिए वो होने चाहिए चेन्नई के, उस डिश के अंदर जो मसाले होने चाहिए वो होने चाहिए पंजाब के, और ऐसी बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह की होनी चाहिए। आप ये समझिए कि आपके सामने एक चार्ट आने वाला है, मैं वो सब जगह से थोड़ा 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 कलेक्ट करके ला चुका हूं और उन सबको उस चार्ट में प्रेजेंट किया है। द चार्ट इन इटसेल्फ is the entire compilation that completes the entire remuneration in itself. आप डायरेक्टली आइए, नहीं नहीं हाँ पहले आप आ जाइए सीधे चार्ट के ऊपर। अरे यारो आइए ना, managerial remuneration के चार्ट के ऊपर आ जाइए आप। Yes, मिला आपको चार्ट, मिला आपको यारो चार्ट ना सबको। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि छोड़िए, नहीं 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 मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा। पहले यह पता होना चाहिए कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को इतना डिटेल में पढ़ क्यों रहे। दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ द एंटायर कंपनीज एक्ट। बाकी कंपनीज एक्ट गोज वेरी फ्लूइड, मतलब एकदम फ्लो में चलता है, दिस इज द मोस्ट टेक्निकल पार्ट। सर ऐसा क्यों, पहले यह तो बताइए आप लोग मुझे सोच के, कितने प्रोविजन ही क्यों रखे गए, इतने प्रोविजन क्यों, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमने बाकी किसी के लिए तो बात नहीं की। अरे रेम्यूनरेशन तो कंपनी और एम्प्लॉई आपस में डिसाइड कर लेंगे ना, आपस में डिसाइड कर लेंगे, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट क्यों इंटरफेयर कर रहा है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में,
why is it so important? Why is it so important to discuss managerial remuneration? This is actually the core part of the chapter. Right now, we're discussing the core part of the chapter. Why is it so important, managerial remuneration? Why do you think? हाँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर यही होता है, सर शेयर होल्डर्स का पैसा है सर. बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं लिंकिंग वहीं से शुरू होती है. देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए. आप एक बात बताइए, आप कल को सीएस हो गया, आपका आपका सीएस होने के बाद में आप कंपनी के पास जॉब के लिए गए. आप कंपनी के पास जॉब के लिए गए, मतलब कोई भी इंप्लॉई है, कोई भी इंप्लॉई फॉर दैट मैटर, कोई भी इंप्लॉई जा रहा है इंटरव्यू के लिए, उसकी सैलरी वो किससे डिस्कस करता है? शेयर होल्डर से करता है क्या? वो सैलरी किससे डिस्कस करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी की बोर्ड ही फाइनलाइज करते हैं? कोई भी इंप्लॉय आता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी फाइनलाइज करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर हो गया, ऐसे ही लोग उसकी सैलरी फाइनलाइज करते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं वगैरह. कोई भी इंप्लॉय आता है तो उसकी सैलरी फाइनलाइज की जाती है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मतलब कंपनी के अंदर जो भी लोग काम करते हैं ना, सारे इंप्लॉय, सारे वर्कर्स, उनकी सैलरी बीओडी फिक्स करता है. बिल्कुल बहुत प्यार से, मोहब्बत से ये पूरा प्रोविजन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अरे तकलीफ तब आई जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी तो कोई पर्सन होगा क्या? वो क्या एकदम फ्री फोक्टी में काम करते हैं? दे ऑल्सो नीड सम रेम्यूनरेशन. अब ये रेम्यूनरेशन लेने के लिए किसके पास जाए? तो ये भी रेम्यूनरेशन लेने के लिए बोर्ड के पास ही, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर तो बोर्ड के पास ही है. यहां प्रॉब्लम होना शुरू हो गई. मतलब आप समझिए ध्यान से, मैं खुद ही खुद का रेम्यूनरेशन डिसाइड करूंगा तो रेम्यूनरेशन कितना होगा? ह्यूज अमाउंट. क्या मैं तो लिखता रहूंगा नींद में, जीरो 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 जीरो, जितने जीरो आए उतना ले लूंगा. आगे वन ऑफ कोर्स से शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है? इतना तो मैंने पढ़ाई की है, ठीक है? इतनी तो पढ़ाई की ना, वन से शुरू करूंगा. यारो पढ़ाई लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. आपने बहुत रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी होगी शायद. बहुत रिसेंटली एक न्यूज में आया था, चार चोर, बहुत खतरनाक चोर. लेकिन क्या हुआ उन चोरों, वो बहुत खतरनाक चोर थे लेकिन एजुकेटेड नहीं थे. कोई बात नहीं, चोर थे बहुत खतरनाक. वो रात को गए चारों गए एक एटीएम के अंदर चुराने के लिए. बहुत खतरनाक चोर थे चारों, बहुत बढ़िया इक्विपमेंट से उन्होंने देखा अंधेरे में कोई नहीं था, जो गेटकीपर था उसको उन्होंने जो भी किया कर दिया. और उसके बाद में वो गए अंधेरे में, उन्होंने मशीन चुरा के वो भाग रहे थे, पकड़े गए यारों. क्या हो गया? नॉर्मल चीज है ना यारों. पता चला जो मशीन उन्होंने चुराई थी ना, पासबुक प्रिंटिंग मशीन यारों. उस दिन रियलाइज हुआ उनको. अरे वो छोड़ो, अच्छा हुआ पकड़े गए. अगर वो घर ले जाते तो कितना अफसोस होता है बताइए. घर ले जाके क्या करते? सबकी पासबुक प्रिंट करवाते. अरे उस दिन उनको रियलाइज हुआ कि लाइफ में एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आइए, यहां पे हम जो पढ़ रहे थे वो ये है कि आप समझिए, मुझे अगर ये ऑप्शन दे दिया गया कि मैं ही खुद की सैलरी डिसाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट हो जाएगा वन, और कहीं ना कहीं वो गलत है. क्योंकि उस तरह से मैं कोशिश करूंगा ना कि सब कुछ मैं ही ले लूं. देखिए लाइफ में इंसान की जरूरतें पूरी हो सकती है लेकिन उसकी भूख नहीं. भूख नॉट ऑफ फूड, ऑफ वेल्थ. तो उनकी भूख पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी था. देखिए हम ये भी नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर्स विल डिसाइड, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो मेरे और आपके जैसे लेमैन लोग है ना, मतलब हमारे नहीं, रेगुलर पब्लिक की बात कर रहे हैं, कि वो तो लेमैन लोग है ना, उनको थोड़ी समझेगा कि कौन सा डायरेक्टर कितना डिजर्व करता है. तो कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर्स को भी नहीं दे सकते, और हम ये पावर गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट क्या साल भर हर एक कंपनी में रेम्यूनरेशन ही डिसाइड करती रहेगी. तो हमने क्या किया ध्यान से, हमने कहा कि बीओडी यू कैन योरसेल्फ डिसाइड द रेम्यूनरेशन, यू कैन योरसेल्फ डिसाइड द रेम्यूनरेशन, बट इट मस्ट बी विद इन द लिमिट्स बाय लॉ. लॉ ने क्या किया, कह दिया कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन लॉ ने वहीं पर कुछ ना कुछ लिमिट्स डिटरमिन कर दी. लॉ ने कुछ ना कुछ लिमिट्स डिटरमिन कर दी कि अगर उन लिमिट्स के अंदर आप दे रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरी मच ओके. क्यों हमने प्रोविजन लाए? अब देखिए प्रोविजन किस तरह से डिजाइंड है. ये प्रोविजन कुछ इस तरह से डिजाइन है. हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसके अंदर इट कुड बी द कंपनी कुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी,
मतलब कंपनी मान लीजिए प्रॉफिट बना रही है तो उसका रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड करना है ये पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए वो पढ़ेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा अभी टारगेट है नेक्स्ट 10 मिनट्स का, पूरी शिद्दत से समझिए सुनिएगा, आपको कभी लाइफ में इसको लेके कोई डाउट नहीं आएगा, आई श्योर यू, पूरी शिद्दत से यहां पे सब लोग। मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन, 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 पूरा फोकस चार्ट के ऊपर, ठीक है, पूरा फोकस आपका भी मुझे उस चार्ट के ऊपर चाहिए। सबसे पहले चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इनकेस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, इन केस ऑफ प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा आप देखिए मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन के लिए अंदर ओवरऑल मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन क्या लिखा है 11%। ये क्या कहना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, इफ योर कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट ओवरऑल, ओवरऑल टू ऑल द मैनेजीरियल पर्सनल, यू कैन पे मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब हमारा टोटल नेट प्रॉफिट है ना, उसका 11%, उसका 11% मैं मेरे मैनेजीरियल पर्सनल को दे सकता हूं। यहां पे कौन कौन आते हैं, यहां पे सारे मैनेजरियल पर्सनल कवर हो जाते हैं आपके, केएमपी वगैरह सब कुछ जो हमने पढ़ा, मैक्सिमम मैं दे सकता हूं 11% सबको मिला के। मतलब मेरी कंपनी का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, तो 11 करोड़ रुपए मैं उन मैनेजर्स डायरेक्टर्स उन सब में डिवाइड होगा और बचा हुआ मैं मेरे कंपनी के लिए यूज कर सकता हूं। 11% इज द मैक्सिमम लिमिट, कि मैक्सिमम आप दे सकते हैं 11%, ये ओवरऑल लिमिट हो गई। चलिए अब इसको भूल जाइए, उसके बाद में देखिए नीचे क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन टू एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, मतलब ये कौन हुए कैटेगरी वन, वहां पे लिख दीजिए कैटेगरी वन, सी वन लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब कैटेगरी वन को मैक्सिमम आप दे सकते हैं कितना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब सर आपका कहना है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आपने सर अभी पढ़ाया हम टोटल ही दे सकते हैं 11%, उसमें से सर 10% तो आप इन्हीं को दे रहे हैं, मतलब बाकियों के लिए सिर्फ 1% बचेगा। बिल्कुल सही, आप इसके बाद सीधा नीचे आइए, लास्ट लाइन ऑफ दिस चार्ट, दिस चार्ट क्या लिखा है, इफ देयर इज रेम्यूनरेशन टू अदर डायरेक्टर्स, इफ देयर इज एनी एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये क्या कहना चाहते हैं समझिए, अगर आपकी कंपनी के अंदर कैटेगरी वन केएमपी है, अगर आपकी कंपनी में कैटेगरी वन केएमपी है तो उनको आप दे सकते हैं 10%, और फिर बच्चे वालों को कितने देंगे, उनको आप दे सकते हैं 10%, और बच्चे हुए लोगों को कितना देंगे फिर 1%। और अगर मान लीजिए आपके यहां पर कैटेगरी वन केएमपी है ही नहीं, मतलब आपकी कंपनी के अंदर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, तो आप बचे हुए डायरेक्टर्स को दे सकते हैं 3%। एक बार रुकिए, वापस सबका फोकस मुझे यहां पर, मैं आपको एक बार समझाऊंगा, उसके बाद में आप उस चार्ट को देखेंगे बहुत आराम से, बहुत ही कंफर्टेबली 2 मिनट में वो पूरे से आपके दिल में उतर जाएगा। देखिए अगर आपकी कंपनी के अंदर कैटेगरी वन केएमपी हैं तो आप उनको देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके इसमें ये है, अगर आपकी कंपनी में कैटेगरी वन केएमपी हैं तो फिर आप अदर डायरेक्टर्स को कितने देंगे, अदर का मतलब क्या हो गया कैटेगरी वन के अलावा बाकी सब, कैटेगरी वन के अलावा बाकी सब अदर डायरेक्टर्स को आप कितना दे सकते हैं, अरे यारों आपको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल लिमिट कितनी है 11, 10 इनको दे दिया तो बचा कितना 1, तो आप दे ही सकते हैं सिर्फ 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर ये तो अदर्स के साथ में बहुत नाइंसाफी है, यारों शुरू से हम पढ़ते आ रहे थे कि अगर आपको कैटेगरी वन की एमपी बनना है तो आपको इतनी सारी डिस्क्वालिफिकेशन से बचना होगा, इतनी सारी चीजों से बचना होगा, अगर आप कैटेगरी वन की एमपी बनना चाहते हैं तो आपको पूरी कंपनी को, सिर्फ अपना काम नहीं पूरी कंपनी को मैनेज करना होगा। अब इतना सब कुछ सहते हुए आए हैं तो पैसे भी तो अच्छे खासे लेंगे, इसलिए कैटेगरी वन की एमपी को मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैक्सिमम लिमिट है ये, और अदर्स को मिल जाएगा 1%। इफ एट ऑल हमारी कंपनी के अंदर कोई भी कैटेगरी वन नहीं है, कोई होल टाइम नहीं है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई भी मैनेजर नहीं है, तो क्या सर, तो फिर जो आपके अदर डायरेक्टर्स है ना उनको आप दे देंगे 3% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर, तो ये दो केस बन सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकेस ऑफ प्रॉफिट, अभी हमारी प्रॉफिट हुई है उस हिसाब से हम समझ रहे हैं, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है टोटल मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं
11%, उसमें हम हमारे कैटेगरी वन को दे सकते हैं 10, उनको 10 दे दिया तो बचा कितना, 1, 1 बाकियों में बांट देंगे। और मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कैटेगरी वन नहीं है तो आप बाकियों को 3% दे सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। एक छोटी सी बात बस, खत्म हो गया प्रोविजन। ये जब आप कैटेगरी वन को बांटते हैं ना 10%, यहां पे एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन और है, छोटा सा, कि नो इंडिविजुअल कैन रिसीव मोर देन 5%। मतलब हमने यहां पे तो ये पढ़ा है कैटेगरी वन केएमपी को 10% मिलता है, पर मान लीजिए हमारे कैटेगरी वन के अंदर सिर्फ मैनेजर है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, और मैनेजर है तो एमडी भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ मैनेजर है हमारे पास में, तो फिर सर उसको 10% मिलेगा क्या? नहीं। अगर कोई सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है ना तो उसको मैक्सिमम 5% मिल सकता है। तो फिर सर यहां पे नहीं, यहां पे फिर भी 1% ही मिलेगा, यहां पर फिर भी 1% ही मिलेगा। अब ये पूरा प्रोविजन कंप्लीट हो चुका है। अब उस इन केस ऑफ प्रॉफिट वाले चार्ट को आप रीड करिए और देखिए आपको एक एक शब्द पूरा दिल तक उतर रहा है या नहीं। बस आराम से कंफर्टेबली उस चार्ट को देखिए आप, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ा आपने? चलिए, कंफर्टेबल राइट? वेरी मच कंफर्टेबल, सब कुछ आ गया ना दिल में? अब आते हैं हम इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि हमारा लॉस हो रहा है या फिर हम इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में हैं, तो फिर क्या? सर ध्यान से सुनेंगे सब लोग, लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में है तो आपको दो लिमिट पढ़ाऊंगा मैं, एक पढ़ाऊंगा मैं लिमिट ए और एक पढ़ाऊंगा लिमिट बी। आपको इन दोनों लिमिट के अंदर रहना है, आपको इन दोनों लिमिट के अंदर रहना है। अरे सर इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों? अरे एक तो कंपनी का लॉस हो रहा है और ऊपर से आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, हम पे करने भी दे रहे हैं, तो अब ज्यादा मस्ती मत चढ़ाओ, आप लोग चुपचाप जो हम कह रहे हैं उसी बात को सुन लो। आपको दो लिमिट देंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि जो रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हैं वो इन दोनों लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। देखिए आप इन केस ऑफ लॉस को, कंपनी मे पे रेम्यूनरेशन नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये दोनों लिमिट आ जाएगी। लिमिट ए से मान लीजिए आ गया 50 लाख, लिमिट बी से आ गया 20 लाख, तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ द, यस 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 यस, नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये दोनों लिमिट रहेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि इसका जो भी आपको हायर लिमिट मिली यू हैव टू कंप्लाई विद इट, नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ द फॉलोइंग, परफेक्ट एकदम। हम सबसे पहले देखेंगे लिमिट ए, फिर हम जाएंगे लिमिट बी के ऊपर, बहुत ही आराम से। बस आपको इतना ध्यान रखना है, वी टॉकिंग अ केस ऑफ लॉस, जस्ट अ मिनट। चलिए यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट ए की। देखिए सुनिए सुनिए, कोई है? सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट ए की। लिमिट ए इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, मतलब आपका इफेक्टिव कैपिटल जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। तो लिमिट ए इज ऑल अबाउट इफेक्टिव कैपिटल। यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे हम इतना सा होगा, जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव कैपिटल है उतना ही ज्यादा आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं पर पर्सन। एकदम ध्यान से, चलिए सबसे इस लिमिट को हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे, एकदम आराम से। सबसे पहले आपको लिमिट दिखेगी, इफ योर इफेक्टिव कैपिटल इज अप टू 5 crores, पहले से इफेक्टिव कैपिटल की हम सारी लिमिट देख लेते हैं, अप टू 5 crores या फिर 5 crores टू 100 crores, नेक्स्ट इज
100 crores, 250 crores, and last is 250 crores plus, more than 250 crores. एकदम ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, इतना सा कहना चाह रहे हैं, इफ योर रेम्यूनरेशन इज अप टू 5 crores, यू कैन पे रेम्यूनरेशन ऑफ 30 lakh पर पर्सन. ध्यान से समझिएगा, 30 lakh पर. अरे सर क्या बात है, आपने क्या कहा, एक तो कंपनी लॉस कर रही है, क्या बात है सर, और आप रेम्यूनरेशन की लिमिट बना रहे हैं, और लिमिट आपने बनाई है 30 lakh पर पर्सन. बहुत आगे जाओगे सर, बहुत अच्छी लिमिट है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम इस लिमिट में रह के जी लेंगे, चल जाएगा सर, दाल पानी का खर्चा हो जाता है 30 lakh में हमारा. 30 lakh पर पर्सन है, ध्यान रखिएगा. हमने जो पिछली लिमिट देखी ना 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज ओवरऑल, मतलब 11% नेट प्रॉफिट में आपको सबको देना है, और यहां पर इट इज 30 lakh पर पर्सन. नेक्स्ट, अगर 5 करोड़ से 100 करोड़ है तो 42 lakh, 100 करोड़ से 250 करोड़ है तो. अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग, अगर 250 करोड़ है से ज्यादा है तो क्या, तो उनका कहना है 250 करोड़ तक की लिमिट कितनी रखी है, 60 लाख, तो पहले तो आप 250 करोड़ के ऊपर 60 लाख ले लो, प्लस जितना भी एक्सेस है ना 250 करोड़ के ऊपर, प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ओवर 250 करोड़. मतलब मान लीजिए मेरी कंपनी की कैपिटल है 300 करोड़, मेरी कंपनी की कैपिटल कितनी है 300 करोड़, तो हाउ इट इज गोइंग टू डिटरमिन माय रेम्यूनरेशन इज 250 करोड़ तक तो 60 लाख, एक्सेस कितना है 50 करोड़ का 0.01%, जो अमाउंट आएगा वो मैं ऐड कर लूंगा 60 लाख के अंदर, और ये टोटल रेम्यूनरेशन है जो हम पे कर सकते हैं. ये लिमिट बिल्कुल समझी यारों, ये हो गई लिमिट ए. उसके बाद में है लिमिट बी. कुछ डाउट है क्या? उसके बाद में हम देख रहे हैं लिमिट बी. अरे लिमिट बी तो कुछ भी नहीं है, लिमिट बी इज जस्ट 2.5% ऑफ करंट रेलेवेंट प्रॉफिट. ये दोनों लिमिट कैलकुलेट करेंगे आप, जो भी लिमिट आई 20 लाख 50 लाख इनमें से जो हायर है उतना आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं. तो समवेयर आप समझिए, you have an option, either to pay under this option or to pay under that option. आप जो option चाहे वो exercise करके pay कर सकते हैं. तो this is limit A, effective capital के base पे. Sir, effective क्या capital क्या होता है? Due. Sir, 2.5% of current relevant profit. Sir, current relevant profit क्या होता है? फिलहाल के लिए आप due रखिए. फिलहाल ये समझिए, ये दोनों limit आपके सामने आई है. ये हम बात कर रहे हैं in a case of loss. कि अगर company का लॉस होता है, अगर कंपनी का लॉस होता है तो भी वो रेम्यूनरेशन पे करना चाहती है. नहीं नहीं, हम हमारे मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन पे करना चाहते हैं, हम पे करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों लिमिट का ऑप्शन दिया है. आप जिस लिमिट में चाहे पे कर सकते हैं, दोनों लिमिट से निकाल के हायर ऑफ द फॉलोइंग. ये तो भूल ही नहीं सकते, 2.5% ऑफ द करंट रेलेवेंट प्रॉफिट, ये याद रखने के लिए बहुत ईजी है. 5 से 100, 100 से 250 प्लस 30 42 60, 0.01%. ध्यान रखिएगा, as far as I have noticed, students कैसे गलती करते हैं कि जो 0.01% है ना, इसको 0.1% कर देते हैं, इसको 0.1% करते हैं. This is 0.01% of excess of 250 lakh. बिल्कुल ठीक है, ये हमने देखा है remuneration का पूरा. सिर्फ दो छोटे छोटे पॉइंट, and thereafter we'll take a break, no problem. दो छोटे छोटे पॉइंट में एक ये पॉइंट है. अभी सर आपने हमें पढ़ाई, आपने हमें सर यहां पे लिमिट पढ़ाई, ये दोनों जो लिमिट पढ़ाई ना सर आपने हमें, इन दोनों लिमिट्स को हम एक्सीड करना चाहते हैं. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं. ये जो लिमिट ए और लिमिट बी है ना, लिमिट ए और लिमिट बी है ना, इन दोनों लिमिट को अगर आप एक्सीड करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं. लिमिट ए लिमिट बी, these limits could be doubled with a special resolution.
मैंने क्या कहना चाह रहा हूं आपको ध्यान से सुनिए, मतलब ये लिमिट्स तो लॉ ने दे दी, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे तो ये लिमिट डबल हो जाएगी। डबल मतलब क्या है? 2.5% क्या हो जाएगा? 5%। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 120 लाख। ये पूरी लिमिट्स हो जाएंगी डबल, 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 नहीं नहीं डबल, हर एक पूरी लिमिट्स उसका डबल, मतलब आप समझिए इससे आप निकालेंगे और फिर उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। मतलब एक एक चीज डबल हो जाएगी अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। पर आप देखिए, और सर ये तो बहुत अच्छा है, पहले से हम तो बहुत खुश थे, आप तो और दे रहे, हम और खुश हैं। एक्स्ट्रा तो लाइफ में अच्छा लगता है ना, पर यारों आप देखिए क्या रखा गया है। हम जाएंगे शेयर होल्डर्स के पास, स्पेशल रेजोल्यूशन किससे पास करवाते हैं? हम शेयर होल्डर्स के पास जाके पता है क्या बोल रहे हैं? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, हमारी कंपनी का बहुत लॉस हुआ है, लेकिन हम हमारे हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर्स उनको और पैसा देना चाहते हैं, तो आपका जो पैसा है ना हमारे पास, ये हम और दे देंगे उनको। क्या शेयर होल्डर्स अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे, जनरली शेयर होल्डर्स अलाउ नहीं करेंगे। ये एक ऑप्शन दिया गया है, मान लीजिए बहुत ही रीजनेबल है ना। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी ब्रिलियंट पर्सन वर्किंग फॉर यू, और इस साल क्या हुआ था, इस साल फ्लड आ गया था, उस वजह से आपकी कंपनी के पूरे लॉस शो हो रहे हैं, बाकी जनरली आपकी कंपनी में काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है शेयर होल्डर्स अलाउ कर दें और देना। तो एक्सेप्शनल सिनेरियो के लिए ये दे रखा है। नहीं, पर मैंने जैसे कि आपको बताया यारों, जरूरत के लिए हर एक के पास पैसा है, लेकिन भूख पूरी होने के लिए मुकेश अंबानी के पास भी पैसा नहीं है। तो पॉइंट इतना सा है, मान लीजिए इस लिमिट से भी आप खुश नहीं है, नहीं नहीं डबल से भी ज्यादा चाहिए, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, यू कैन गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद आप इससे भी ज्यादा पे कर सकते हैं। तो ये क्या है, इफ कंपनी वॉन्ट्स टू पे मोर देन लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड कैन डू सो आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ये आप कहां पे लिखेंगे, ये जो चार्ट है ना जिस पेज पे, उसी पेज पे आप ये दो पॉइंट्स लिख दीजिए। कौन से दो? एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, सो दैट ये दोनों पॉइंट्स आपको उस चार्ट में एक एडिशन हो जाएगा, पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया ये दोनों पॉइंट्स। I got a point. Your question is, in case ऐसा कोई scenario आ जाता है जहाँ पे उससे भी कम है, मतलब वैसे तो that is very hypothetical case की वजह से case आता है, अगर आता भी है तो if you have profit, regular profit, you have to give under 11% के limit only. 11% limit only. Yes please. चलिए सब लोग यहाँ पे, आपका question क्या है कि अगर profit, देखिए सुनिए हमने लिमिट्स कैसे पढ़ी है, मैनेजरियल रेमुनरेशन की लिमिट हमने पैसे पढ़ी है, इनकेस ऑफ प्रॉफिट वो 11% वाली पूरी लिमिट्स पढ़ी है। अरे अगर आपका प्रॉफिट है ना तो आपको वही लिमिट पे जाना है, अगर आपका लॉस आ रहा है तो फिर यू कैन गो अंडर दोस लिमिट्स। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही इजी। अब श्योर, अब देखिए एक और चीज, एक और चीज, इसके लिए हमें जाना होगा 11th में। हमारा क्वेश्चन है, 11th स्टैंडर्ड था ना हमारा, है ना, कुछ लोग स्कूल कहते हैं, कुछ लोग उसको जूनियर कॉलेज कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो डिस्कशन आधे घंटे का आर्गुमेंट हो जाएगा, छोड़िए इस बात पे, यहां पर आ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है कि सर हमारी कंपनी को, ये सबको समझ में आ गया ना जो हो चुका है, अब एक डिबेट, एक जनरल क्वेश्चन है कि सर हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, उस केस में हमारा 30 लाख रेम्यूनरेशन पे करने की बात आ रही है, सर जब लॉस हुआ है तो पैसे देंगे कहां से? यार ध्यान से समझिए, कैश एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, ये दोनों कभी सेम नहीं होता। कंपनी के पास हो सकता है बहुत सारा कैश हो बट प्रॉफिट ना हो, कंपनी के पास हो सकता है बहुत सारा प्रॉफिट हो लेकिन कैश ना हो। कैश और प्रॉफिट बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक बेसिक एग्जांपल आपके समझने के लिए समझिए, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी इज अ
इलेक्ट्रिक कंपनी समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वन ऑफ सच बेनिफिट इज कि मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदता हूँ ना, तो उसका डेप्रिसिएशन मैं ईयर वन में चार्ज कर सकता हूँ 100%, ठीक है, भले ही मैं उसको कितने भी साल तक यूज करूँ। मैंने इस साल एक मशीनरी खरीदी वर्थ ₹100 करोड़, मेरे इस पूरे साल भर का प्रॉफिट ही था 90 करोड़। वो मशीनरी वैसे तो मैं 10 साल तक यूज करने वाला हूँ, लेकिन डेप्रिसिएशन तो इसी साल चार्ज कर लिया पूरा, मेरा तो 10 करोड़ का लॉस हो रहा है, मेरा तो 10 करोड़ का लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे पास कैश तो बहुत सारा है क्योंकि मैंने उस मशीनरी को खरीदने के लिए तो लोन लिया था, तो लोन लिया और मशीनरी खरीद ली, और इस साल जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ वो तो सब मेरा कैश में ही है, तो ऑन पेपर मेरा लॉस है लेकिन मेरे पास कैश तो है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, देयर कुड बी 1 लाख एग्जाम्पल्स, कैश और प्रॉफिट कोरिलेशन है। हाँ, जनरली ऐसा है कि हाँ प्रॉफिट होगा तो कैश भी ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कैश और आपका प्रॉफिट हमेशा सेम हो। अरे आप सोचिए ना, आपने आज तक इतनी ज्यादा बैलेंस शीट्स बनाई होगी, बहुत सारी अकाउंट्स के अंदर, फाउंडेशन के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, या फिर कभी आपने अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने कभी आपने देखा है कि जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है और कंपनी का कैश बैलेंस आ रहा है वो सेम आता है? नहीं। इनका क्या कभी कोई रिलेशन भी आपने लगाने की कोशिश की है? नहीं 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 नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर आप कभी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो कुछ चांस है कि शायद सेम आए, बट अक्रूअल में तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो कैश और प्रॉफिट का कोई लेन देन नहीं होता। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैनेजरियल रेमुनरेशन। सबका फोकस यहां पे 2 मिनट में हम रिवाइज करके, आई विल गिव यू अ ब्रेक फॉर 5-10 मिनट्स। यहां पे सबसे पहले हमने चैप्टर शुरू किया, हमने पढ़ा कौन कौन होते हैं केएमपी। आप लोग बताएंगे कौन कौन होते हैं केएमपी? सबसे पहले सीईओ, CFO, उसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, उसके बाद में होल टाइम डायरेक्टर और CS, ये हमने देख लिया। इसके बाद में हम गए आगे डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें हमने पहले एक बेसिक क्वालिफिकेशन देखी, पर्सन शुड बी ऑफ द एज 21 to 70, लेकिन अगर वो 70 के बाद भी एक कैटेगरी 1 KMP बनना चाहता है तो उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दोनों में से एक चीज लेनी होगी। इसके अलावा हमने फिर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन देखे, ब्लंट डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वहां अट्रैक्ट हो गया तो क्या वो केएमपी बन सकता है कैटेगरी 1? नहीं बन सकता। दूसरे हमने देखे कुछ ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन जहां पे वो फिर भी बन सकता है आफ्टर टेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, ये हमारा वो खत्म हुआ। उसके बाद में हम आगे गए, हम लोगों ने आगे देखा रेम्यूनरेशन, सब लोग यहां पे पूरा चार्ट, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट ध्यान से देखेंगे टोटल कितना हो सकता है 11, कैटेगरी 1 को कितना देते हो मैक्सिमम 10, उनमें से एक इंडिविजुअल को 5, चलिए डन। उसके बाद हम नीचे आते हैं कि ये हो गया अगर इनको दे दिया कैटेगरी 1, अदर्स की बात करते हैं, अगर कैटेगरी 1 एग्जिस्ट करते हैं तो फिर, और कैटेगरी 1 नहीं है तो वेरी कंफर्टेबल, क्लियर, डन परफेक्टली। उसके बाद में हम आते हैं इनकेस ऑफ लॉस, इनकेस ऑफ लॉस यू हैव 2 लिमिट्स, लिमिट ए लिमिट बी, यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन पे इन ईदर ऑफ द लिमिट्स, जिसमें आपको देना है उसमें आप पे कर सकते हैं। लिमिट ए इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, वेयर इन हमने देखा 5 करोड़ तक की कैपिटल है तो फिर 30 लाख, 5 से 100 42, 100 से 250 60, 250 से ऊपर है तो फिर 60 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ 250 करोड़, बिल्कुल ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा इन, हमने वही लिमिट बी 2.5% ऑफ करंट रेलेवेंट प्रॉफिट, उसके अंदर हमने देखा ये जो हमने लिमिट्स पर ये डबल हो जाएगी अगर हमने पास किया एक स्पेशल रेजोल्यूशन, और यही लिमिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके भी हम लिमिट के बाहर पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक इसके साथ में हमने चैप्टर में पहुंचे हैं, चलिए विल हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड देयर आफ्टर विल कंटिन्यू, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज। Okay, yeah.